बात करेंगे क्रिकेट पर रुमाना, बड़ा मजेदार मैच होने वाला है। एशियन क्रिकेट अब सिर्फ दो तीन टीमों तक महदूद नहीं रही है, इसमें पांच टीमें सारी की सारी तगड़ी नजर आती हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टूर्नामेंट ओवरऑल। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, अलग अलग टीम्स जो इस एशिया कप में किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगी, लेकिन जाहिर सी बात है अगर फेवरेट्स की बात की जाए तो मैं तो इसी सवाल के साथ शुरुआत करने वाली हूं, और मुझे लगता है मोइन खान साहब से ही शुरुआत करते हैं। फेवरेट कौन, आपको क्या लग रहा है, रेपुटेशन या फिर फॉर्म, किसके साथ आप जाएंगे मोइन भाई? जी, सबसे पहले तो रोमाना, थैंक यू वेरी मच, सबको सलाम मेरा, जो भी हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट बैठे हैं, हमारे कोलीग्स बैठे हैं, और नमस्ते तमाम इंडिया को। बिल्कुल मुझे बज़ाहिर ऐसे ही लगता है क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा एशिया कप जीता था मेरी कप्तानी में, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान का हमेशा प्रेशर गेम होता है। यू नो, प्रेशर गेम में आपको कंसिस्टेंटली फाइट करनी पड़ती है डोमिनेट करने के लिए ओपोनेंट को। तो नो मैटर व्हाट, पाकिस्तान इंडिया का किसी की भी फॉर्म अच्छी हो, किसी की फॉर्म अच्छी ना हो, बट ये चीज़ मैटर करती है एट दी एंड कि आप कितनी ज़्यादा फाइट करते हो, कितना एग्रेसिव होते हो, कितना कंपोज होते हो, कितना फोकस होते हो आप अपनी एटीट्यूड को लेके कि आप कंसिस्टेंटली फाइट कर सको, यू नो। और जो टीम कंसिस्टेंटली फाइट करेगी, मैं समझता हूँ इन दोनों नेशंस के अंदर हमेशा से यही हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का गेम होता है, तो प्रेशर जो होता है ना कोप अप करना, वो आप एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम बैक ऑफ योर माइंड थोड़ा इंजॉयमेंट फैक्टर भी होना चाहिए कि आप यानी अपने ओपोनेंट के साथ खेलते हुए मजे भी ले रहे हो। एंजॉयमेंट फैक्टर तो बहुत जरूरी है क्योंकि फैंस वही रोमांच देखना चाहते हैं। जल्दी जल्दी सबसे एक क्विक रिएक्शन, आउटराइट फेवरेट इस मुकाबले में लग रहा है आपको संजय जी कोई है क्या टीम? संजय जी, जी मुझे तो लगता है कि भारत की टीम ही फेवरेट है, क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड रहा है खासकर 50 ओवर फॉर्मेट में पिछले कुछ सालों से, तो हमेशा वो हावी रही है और बड़े मैचेस अच्छा खेली है। ठीक है, कपिल पाजी। आज से पहले मैं ये कह सकता था कि शायद इंडिया का बहुत भारी जोश है, बेटर टीम है, लेकिन अब हाल ही में पिछले 6 महीने 1 साल में ये कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है जज करना कि आप कहो कि इंडियन टीम बहुत हावी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। अब ऐसा सिचुएशन नहीं है, पाकिस्तान नंबर वन बनी है, उनके पास एबिलिटी है, उनके पास बेहतर प्लेयर आ गए हैं, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि इंडिया बहुत ताकतवर है। बिल्कुल रजाक भाई, टीम सिलेक्शंस की बात है और जो टीम स्टैंडिंग्स की बात है, फेवरेट्स की बात है, जी रजाक उनके सवाल के जवाब देते हैं, फिर मैं भी एक सवाल करना चाहूंगा। पाकिस्तान की टीम मच बेटर देन इंडिया अभी राइट नाउ, जैसे उन्होंने कहा कि अगर 6 महीने पहले की बात करें तो और चीज़ है, पर अभी जो पाकिस्तान की मूवमेंट जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में, और कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। अभी इंडिया की टीम में रिसेंटली नए प्लेयर्स भी आए हैं, पर पाकिस्तान टीम में जितने प्लेयर्स आए हैं वो सारे मैच्योर हैं और उनको सीनियर भी हैं और प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। अभी अब देखा जाए फ़खर की देख लें, फ़खर को देख लें, इमाम को देख लें, बाबर आजम को देख लें, इफ्तिखार को देख लें, तो पाकिस्तान टीम काफ़ी सीनियरिटी के हिसाब से बेटर लग रही है। ठीक है, क्विकली सिकंदर आप भी अपना फेवरेट बता दें। देखिए मैं तो पाकिस्तान को ही कहूँगा, मगर जो एक वीक पॉइंट जरूर है हमारा वो है मिडल ऑर्डर, तो हमने देखना है कि मेरा जो फोकस है वो मिडल ऑर्डर। सबसे पहले तो सॉरी, सलाम नमस्ते कपिल भाई साहब, सर जी आपको देख के बड़ी खुशी हुई, और अजहर भाई भी वहाँ मौजूद हैं, उनको सलाम, और दूसरों को भी, अजहर भाई तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है अगर वो सही चल गया जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की को हराना बड़ा मुश्किल होगा।